नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपको टुडेज के हमारे न्यूज कार्यक्रम में। मैं कुमार अभिषेक फिर से हाजिर हूं। आज की चुनावी प्रक्रिया से जुड़े हुए कुछ बेहद ही अहम अपडेट्स को लेकर के और जो सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है उसको लेकर के। जी हां, दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया है कि प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी से निकाल देना चाहिए और इसके बाद से काफी राजनीति गर्म हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को पटना में वोट डाला और इस दौरान उन्होंने लंबी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इतनी गर्मी में इतना लंबा चुनाव नहीं होना चाहिए और इसे 2-3 चरणों में फरवरी और मार्च में करवाया जाना चाहिए था। इस पर सर्वदलीय बैठक भी बुला करके चर्चा कराई जाए। इस दौरान उन्होंने भोपाल से भाजपा के प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर के गोडसे वाले बयान पर निंदा करते हुए कहा है कि उन्हें पार्टी से निकालने पर विचार किया जाना चाहिए। जी हां, बताते चले कि गर्मी की वजह से लोगों की भागीदारी कम होती है और ऐसा भी उन्होंने कहा। नीतीश कुमार ने कहा था कि अप्रैल मई में गर्मी होने की वजह से चुनाव प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी कम हो जाती है। चुनाव एक चरण का ही बेहतर होता है, लेकिन देश बड़ा है इसलिए 2 या 3 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके बाद बिहार में 7वें चरण में मतदान हुई है। बताते चले कि बिहार में 7वें चरणों में मतदान हो रहा है और 7वें चरण में आज 8 सीटों पर वोटिंग हुई है, जबकि 32 सीटों पर मतदान हो चुके थे पहले के 6 चरणों में। बिहार में 7वें चरण में नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट और जहानाबाद में मतदान हो रहे थे। इस चरण में शत्रुघ्न सिन्हा, रविशंकर प्रसाद, अश्विनी कुमार चौबे, मीरा कुमार, रामकृपाल यादव, आरके सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और मीसा भारती समेत कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला होना है। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में अपनी अंतिम रैली शुक्रवार को मध्य प्रदेश के खरगोन में किया था और इस दौरान उन्होंने कहा था कि दिल्ली में कहते हैं कि चुनाव लंबा हो गया है, वो शायद थक गए हैं और मैं कहता हूं कि कभी अगर आदिवासियों के बीच में आकर के आप बैठ जाओ सारी थकान मिट जाएगी। तो यह है आज की बड़ी खबरों में से एक खबर, जहां पर नीतीश कुमार ने प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी से निकालने की बात कही है और साथ ही साथ देश भर में जो 7 चरणों की चुनाव हुई है, इतने लंबी चुनाव हुई है, उसके ऊपर भी आपत्ति जताया है और सजेशन दिया है कि नेक्स्ट टाइम से देश में इतना लंबा चुनाव ना हो, इससे काफी परेशानी होती है। हम फिर से हाजिर होंगे ब्रेक के बाद कुछ अन्य न्यूज को लेकर के। देखते रहो टुडेज न्यूज चैनल और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने कमेंट्स भी शेयर करें और नीतीश कुमार के इस प्रतिक्रिया के बारे में आपकी क्या राय है वो जरूर साझा करें कमेंट बॉक्स में लिख करके। थैंक यू सो मच।